लैंग्वेज कोर्स का आजकल जबरदस्त ट्रेंड है। बढ़ते ग्लोबलाइजेशन ने लोगों के लिए विदेशी कंपनियों में नौकरी के अवसर बढ़ा दिए हैं। तो अगर आप भी नई लैंग्वेज सीखने का लिए सोच रहे हैं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इसके लिए बेस्ट तरीका और जगह कौन सी है। हेलो, मेरा नाम है मानसी और आप देख रहे हैं ललन टॉप की नई पहल रंग रूट। तो दोस्तों, स्पेनिश हो या फिर कोरियन, भारत में विदेशी भाषाएं सीखने और उसमें कोर्स करने के लिए कई संस्थान हैं। सबसे पहला और जाना माना संस्थान है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। जेएनयू में साल 1969 में स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज की स्थापना की गई थी। यहाँ से विदेशी भाषा में बीए ऑनर्स, एमए और एमफिल पीएचडी किया जा सकता है। इसके लिए छात्र के पास अरबिक, चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, कोरियन, पर्शियन, रशियन और स्पेनिश सहित 9 भाषाओं के विकल्प हैं। इसके अलावा जेएनयू ग्रीक, हिब्रू और टर्किश भाषा में कुछ ऑप्शनल कोर्सेज भी चलाता है। जेएनयू से लैंग्वेज कोर्स करने के लिए आपको CUET परीक्षा क्लियर करनी होती है। वहीं बीए के लिए 12वीं में कम से कम 45% मार्क्स होना जरूरी है। लैंग्वेज कोर्स के लिए एक और बेहतरीन यूनिवर्सिटी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। लैंग्वेज में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD और डिप्लोमा किया जा सकता है यहाँ से। यहाँ चाइनीज और रशियन भाषाओं में BA, ऑनर्स, MA और PhD के कोर्स भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा BHU से छात्र 7 भाषाओं में डिप्लोमा भी कर सकते हैं। यहाँ से भी BA या फिर MA करने के लिए आपको CUET का एग्जाम क्लियर करना होगा। दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया से भी आप अलग अलग भाषाओं से लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के लिए फ्रेंच, टर्किश और कोरियन भाषा का ऑप्शन भी है। फ्रेंच और टर्किश में तो एडवांस डिप्लोमा प्रोग्राम भी किया जा सकता है। यहाँ बैचलर्स और मास्टर्स के लिए भी CUET क्वालिफाई करना जरूरी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी छात्र 6 भाषाओं में सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा एडवांस डिप्लोमा कोर्स भी कराती है DU। ये 6 भाषाएं हैं रशियन, क्रोएशियन, बल्गेरियन, चेक, हंगेरियन और पोलिश। इसके अलावा यूनिवर्सिटी से छात्र रशियन स्टडीज में MA, MPhil और PhD भी कर सकते हैं। वहीं यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ जर्मेनिक स्टडीज से 5 भाषाओं में सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और एडवांस डिप्लोमा कोर्स भी किया जा सकता है। ये 5 भाषाएं हैं स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन, पोर्टुगीज और रोमेनियन। बात एलिजिबिलिटी की करें तो सर्टिफिकेट कोर्स के लिए 45% अंकों के साथ 12वीं पास करना जरूरी है। वहीं डिप्लोमा कोर्स के लिए सर्टिफिकेट कोर्स किया होना बेहद जरूरी है। और हाँ, जिन छात्रों को कोई कॉलेज नहीं मिल पाता है वो भारत में मौजूद दूसरे देशों के दूतावास से भी लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। है ना ये बढ़िया ऑप्शन। जैसे फ्रेंच लैंग्वेज के लिए फ्रेंच दूतावास जाया जा सकता है। फ्रेंच दूतावास ने भारत के अलग अलग शहरों में 28 ब्रांच खोल रखे हैं। जर्मन भाषा सीखने के लिए गोएथे इंस्टीट्यूट जाया जा सकता है। ये नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और पुणे में है। इसके अलावा 250 से अधिक केंद्रीय विद्यालय की शाखाएं अपने छात्रों को जर्मन भाषा पाठ्यक्रम पढ़ाती हैं। जापानी भाषा सीखने के लिए जापान फाउंडेशन, रशियन के लिए नई दिल्ली स्थित रूसी विज्ञान केंद्र जाया जा सकता है। तो ये तो हुई लैंग्वेज कोर्सेज की बात। अब आपको ये भी बता दें कि आप लैंग्वेज सीखकर क्या क्या बन सकते हैं। लैंग्वेज सीखकर आप ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, लैंग्वेज कोर्स के लिए लेक्चरर, टूर गाइड, दूतावास में नौकरी, किसी विदेशी कंपनी में नौकरी, वहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि WHO, यूनेस्को और यूनिसेफ जैसे संस्थानों के लिए काम कर सकते हैं। तो है ना लैंग्वेज सीखना एक बढ़िया आइडिया। इस खबर को और डिटेल में आप हमारी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। इससे जुड़ा आपका कोई भी सवाल हो तो हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल आईडी पर भेजिए। इस खबर पर रिसर्च की है हमारे साथी प्रशांत ने। शुक्रिया। देखते रहिए ललन टॉप।